आज सिवान पुलिस ने सिसवन ढाला से कार्बाइन, पिस्टल, देसी कट्टा सहित 50 कारतूस के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। खबर है कि सिवान पुलिस को आज बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिवान पुलिस द्वारा कार्बाइन, पिस्टल, देसी कट्टा तथा 50 जिंदा कारतूस के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। आपको बताता चलूं कि पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार ने बताया कि नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला के पास 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। पुलिस जब उस स्थान पर पहुंची तो वहां 2 संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा दोनों युवकों को पकड़कर तलाशी लिया गया तो दोनों के पास से 2 पिस्टल, 7.62 बोर का 10 कारतूस बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार ने बताया कि तत्काल SIT गठित कर उक्त युवकों से पूछताछ की गई, जिसके बाद अनुसंधान के क्रम में हुसैनगंज थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के छपिया बुजुर्ग निवासी जितेंद्र कुमार एवं प्रीतम कुमार उर्फ टमाटर के घर पर छापेमारी किया गया और 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को 50 कारतूस, कार्बाइन, पिस्टल और देसी कट्टा भी हाथ लगा है।